हेलो दोस्तों, रसोई अड्डा में स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिड़ुआ का नमकीन। तो मैंने 1 पाव चिड़ुआ ले ली, पोहा भी बोलते हैं, चिड़ुआ भी बोलते हैं इनको, और कड़ी पत्ता ले लिया और मूंगफली। और हम सिवाई बनाएंगे, आप मशीन में भी बना सकते हैं, इसमें कई तरह जाली भी है। और हम बनाएंगे आज इस झरिया में, इसमें बूंदी भी बना सकते हैं, बूंदी का लड्डू भी बना सकते हैं। और हम इसमें बनाएंगे मोटे मोटे सेवैया थोड़ा सा। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। तो मैं 2 कप, छोटा कप है, छोटे कप में 2 कप मैंने बेसन लिया, भरा नहीं तो 2 कप भरे हुए नहीं थे तो थोड़े और ज़्यादा ले लिया ताकि 2 कप पूरा हो जाए। तो इन्हें हम छान लेंगे, छान करके ले लीजिएगा तो सही रहेगा, लम्स या गुठलियाँ नहीं पड़ेंगे आपका। और कुछ कचरा वगैरह है अभी तो इसमें आ जाएगा, लेकिन कुछ भी है नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा छान लिया। करते हैं हम बेसन घोलेंगे पहले। तो 2-3 चम्मच मैं ऑयल ले लिया और इनमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा हल्दी, और 1 चम्मच करीब मैं डालूंगी देगी मिर्ची। ये तीखी भी नहीं होती है और कलर अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। ये इन्हें थोड़ा सा मिक्सर में हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा फूड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं इनमें। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा। और इनको अच्छी तरह हम घोल लेंगे। दो तीन चम्मच पानी ऐड करूंगी इसमें, खाने वाला स्पून है जिसमें खाना नहीं खाते हैं वही वाला स्पून है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कैसे थिकनेस आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने सोडा वगैरह ऐड कर दिया, मीठा सोडा। आप क्या करेंगे, छाना हुआ जो बेसन है हम इनमें ऐड कर लेंगे। इनको भी अच्छी तरह हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि मिक्सर का कम नहीं है, अब हाथ का कमाल है। इनको अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। और थोड़े थोड़े पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे आटा की तरह। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑयल डाल दिया था, तो इसलिए बहुत थोड़ा पानी में हो गया कम। तो इन्हें अभी हम आटा की लोई की तरह बना करके साइड में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, आराम करने के लिए। चलिए दोस्तों, 15-20 मिनट हो गया है हमारा, जो बेसन मैंने गूंद के रख लिया था, रेस्ट कर लिया है। तो चलिए अभी इन्हें बनाते हैं। दोस्तों हमने झरिया में सिवाई बना लिया, अभी मशीन में बना के भी दिखाते हैं।
इसमें थोड़ा मोटा मोटा बन रहा है। देखिए दोस्तों ऐसे बन गया है हमारा झरिया में, वही थोड़ी सी मोटी मोटी बने हैं तो कोई बात नहीं। अब ऐसे नींबू जो निचोड़ने वाला आता है इसमें भी आप बना सकते हैं। ऑयल ग्रीस कर दिया है और फिर मशीन में डाल करके हम ऐसे घुमाते जाना है। और देखिए आप जैसे डिजाइन का बनाएंगे ऐसे बन जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे अगर बनाना चाहते हैं तो इससे ऐसे छोटा छोटा भी बना सकते हैं। मूंगफली को भून लेते हैं इसमें, मतलब डीप फ्राई कर लेते हैं। आप भून भी सकते हैं एक चम्मच ऑयल डाल के धीरे धीरे स्लो फ्लेम में, 5-7 मिनट लगता है। लेकिन इनमें चिड़ुआ भी मैं फ्राई कर रही हूँ ना, तो मूंगफली भी फ्राई करा। कड़ी पत्ता भी डीप फ्राई हो गया है, ऑनलाइन का कड़ी पत्ता है तो थोड़ा सा घर में रख के काला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक न्यूज़पेपर के ऊपर सारे फैला लेंगे। ये दोस्तों अभी बारी है चिड़ुआ यानी पोहा। पोहा को भी हम ऐसे धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। आप ज़रूर एक बार बना के खाइएगा, घर का ऑयल है, एक आध बार खाने से कुछ नहीं होता है लेकिन टेस्टी बहुत। तो चलिए दोस्तों हमने पोहा को अच्छी तरह नमकीन बनाने की कोशिश की, ये देख सकते हैं आप। ऑयल तो बहुत काफ़ी है मगर ये जो अभी गर्म है, अभी हम क्या करेंगे इनमें कड़ी पत्ता भी मिला देंगे। और मैंने थोड़ा सा मसाला ली हुई हूँ इसमें, पिसी हुई शुगर 2 चम्मच और दिगी मिर्ची नॉर्मल मिर्ची, थोड़ा सा काला नमक 1/2 चम्मच करीब, 1/2 चम्मच वाइट नमक, थोड़ा सा हल्दी, हल्दी ऑप्शनल है आप नहीं चाहते तो मत डालिएगा, और जीरा पाउडर, आमचूर और चाट मसाला 1/2 चम्मच। तो चलिए इन्हें अभी गरम गरम जैसे हमारा नमकीन में मिलाना पड़ता है, नहीं तो वो चिपकेगा नहीं। तो हम ऐसे करके अभी मिला देते हैं। अभी दूसरा पॉलीथीन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, तब तक इनमें हम थोड़ा सा सिवाई जो बनाया वो भी हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए किस तरह हमने घर में बना लिया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए दोस्तों हमारा पोहा वाली नमकीन बना के हमने रेडी कर लिया है, अभी खाने की बारी है। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो नए फ्रेंड्स मेरे चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुश रहिए, नमकीन बनाइए। बाय बाय, थैंक यू।